हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीएल ही इज़ कमिंग टू मी के एपिसोड 3 के पार्ट 2 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। थन मैस को कहता है, अब जाके हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं आपकी आइडेंटिटी पता करने के लिए। मैस कहता है, जितनी ज़्यादा चीज़ें हमें पता रहेंगी उतनी जल्दी हम आइडेंटिटी को ढूंढ पाएंगे। थन कहता है, तभी तो आप पुनर्जन्म ले पाएंगे। मैस थन की तरफ देखता है तो थन स्माइल करता है। मैस कहता है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। पुनर्जन्म के बारे में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। थन कहता है, कोई बात नहीं, इसके बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे। थन कहता है, मैं सोने जा रहा हूँ, वैसे भी कल सुबह हमें जल्दी उठना है। मैस पूछता है, क्यों? थन कहता है, कल मैं आपको कहीं ले के जाने वाला हूँ। अगली सुबह थन मैस को एक धार्मिक स्थान पे लेकर आता है। मैस कहता है, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो? मुझे तो लगा कि तुम मुझे घुमाने लाने वाले हो। थन कहता है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे अंदर जा सकते हैं कि नहीं। थन मैस को अंदर जाने को कहता है। मैस अंदर जाने लगता है, तभी वो हर्ट होने का नाटक करने लगता है। थन कहता है, आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? मैस कहता है, तुम ही तो देखना चाहते थे ना, मुझे लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही मूवीज़ देख ली हैं, इसलिए तुम्हें लगता है कि एक भूत धार्मिक स्थान के अंदर नहीं जा सकता है। थन स्माइल करता है। दोनों अंदर आ जाते हैं। थन के फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। प्रिंस थन से पूछता है, तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? गोल्फ कहता है, उससे पहले तो तुम मुझे बताओ कि तुम इसके साथ यहाँ पर आने के लिए मान गए, पर मैंने जब तुम्हें टेम्पल आने को कहा था तो तुमने मना क्यों किया था? फा कहती है, मुझे नहीं लगता कि टेम्पल और धार्मिक स्थान में कोई भी रिलेशन है। थन कहता है, मैं बस यहाँ पे कुछ मेरिट करने के लिए आया हूँ, क्या इसमें कोई बुराई है? और वैसे भी तुम लोगों ने बहुत सारे पाप किए हैं, तुम लोग को अपने पाप भी तो कम करने चाहिए। प्रिंस कहता है, क्या तुम यहाँ पे अपने लास्ट एग्ज़ाम में कैसे पास हुए हो, ये कन्फेस करने आए हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बता दूँ, ये धार्मिक स्थान है, तुम लोगों के कन्फेशन करने की कोई जगह नहीं। थन कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, अंदर चलो, वैसे ही बहुत गर्मी है। सब मस्ती मजाक करते हुए अंदर जाने लगते हैं। सब लोग अंदर आ जाते हैं। वहाँ के मॉन्क उन लोगों को देखकर कहते हैं, तुम लोग काफ़ी यंग हो, फिर भी तुम लोग यहाँ पे आए हो, क्या तुम लोग कुछ खास जानना चाहते हो? थन कहता है, कुछ खास नहीं, हम लोग बस यहाँ पे मेरिट करने आए हैं। मॉन्क कहते हैं, थन, मेरिट से सब कुछ नहीं सॉल्व होता है, तुम बस वो करो जिससे तुम्हें शांति मिलती है। हाँ, लेकिन अगर तुम किसी और के लिए मेरिट करना चाहते हो तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, इससे दूसरों को शांति मिलती है। मैं जानता हूँ कि तुम दूसरों के लिए मेरिट करना चाहते हो उन्हें शांति देने के लिए, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जो इंसान जो करता है उसका फल उसे मिलता ही है। मॉन्क ये मैस की तरफ देखकर कहते हैं। मॉन्क कहते हैं, सबकी किस्मत उनसे ही जुड़ी होती है, कोई दूसरा उनके लिए कुछ नहीं कर सकता है, और जो जैसा होता है उसे होने दो, कुछ भी फोर्स करने की कोशिश मत करो। थन मॉन्क से कहता है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर किसी भूत को कुछ याद ना हो कि उनके साथ क्या हुआ है तो उन्हें क्या करना चाहिए? ये सवाल सुनकर उसके सारे फ्रेंड्स चौंक जाते हैं। मॉन्क कहते हैं, चाहे इंसान हो या भूत, सबके पास कुछ तो ऐसा होता है जिनसे उनकी यादें जुड़ी होती है, और वही चीज़ें उन्हें याद दिलाने में हेल्प करती हैं। वो चीज़ कोई चीज़ भी हो सकती है और कोई जगह भी हो सकती है। कहता है, इसका मतलब अगर वो इंसान उस जगह पर जाए तो चांस है कि उसकी याददाश्त वापस आ सकती है? मॉन्क हाँ का इशारा करते हैं। थन उन्हें थैंक्स कहता है। तभी गोल्फ कहते हैं, मेरे पास भी एक सवाल है, क्या मैं अपनी किस्मत के बारे में जान सकता हूँ? फा कहती है, अगर तुम्हें किस्मत जाननी है तो तुम गलत जगह पर आ गए हो। मॉन्क हाँ कहते हैं। गोल्फ पूछता है, मैं जानना चाहता हूँ अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में, क्या मैं 4 साल में ग्रेजुएट हो जाऊँगा? तभी मॉन्क उसे टेंपल में होने वाले एक रिचुअल को करने को कहते हैं, जिसमें एक स्टिक को चूज़ करना होता है जिससे इंसान की किस्मत का पता चलता है। गोल्फ उसे ट्राई करता है। सब लोग उसे ट्राई करते हैं। थन को मिला होता है नंबर 2, जिसमें लिखा होता है, दो कन्फ्यूज दिल साथ में रह सकते हैं, भले वो नज़दीक हो चाहे दूर। लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कभी कभी तेज धार से ही कुछ चीज़ों का जवाब मिलता है, और जवाब ज़रूर मिलता है। गोल्फ कहता है, ये किस जवाब के बारे में बात हो रही है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया इसमें लिखा क्या है। थन कहता है, समझ में तो मुझे भी नहीं आया। गोल्फ फा से पूछता है, तुम्हारा कौन सा नंबर है? फा कहती है, मेरा नंबर 21 है, जिसमें लिखा हुआ होता है, प्यार, हम जिस इंसान को दूर से देखते हैं वो हमें देखता नहीं है। फा आगे नहीं पढ़ती है। गोल्फ कहता है, तुम रुक क्यों गई? फा कहती है, कुछ भी नहीं। गोल्फ कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमें अपने प्यार के बारे में नहीं जानने देना चाहती हो? कहीं ये सब पिचिन के बारे में तो नहीं है? फा कहती है, तुम मजाक बंद करो। गोल्फ पूछता है, प्रिंस तुम्हारा क्या है? प्रिंस कहता है, मैं ये तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊँगा।
गोल्फ बार बार पूछने की कोशिश करता है पर प्रिंस उसे नहीं बताता है। थन वॉशरूम के लिए चला जाता है और गोल्फ फा की फ़ोटो क्लिक करने चला जाता है। तभी प्रिंस अपना लेटर निकालता है और उसे देखकर फा की तरफ देखता है। थन मैस से पूछता है, आपको यहाँ पे कैसा फील हो रहा है? मैस कहता है, मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है। हो सकता है ऐसा इसीलिए क्योंकि तुमने मेरे लिए मेरिट किया है। थन कहता है, आप तो जब भी बाहर घूमने जाते हैं आपका चेहरा ऐसा ही रहता है। मैंने आपके लिए मेरिट किया है, आप मुझे पैसे दीजिए। मैस कहता है, तुम सच में बहुत कंजूस हो। थन कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ सेल्फी क्लिक करवाएंगे? मैस कहता है, वो क्या होता है? थन अपना मोबाइल निकाल कर सेल्फी क्लिक करने लगता है। तो ये देखकर मैस कहता है, इसमें मैं तो दिख ही नहीं रहा हूँ। थन कहता है, कोई बात नहीं, कम से कम मुझे तो पता है कि आप यहाँ पे हैं मेरे साथ। गोल्फ सबसे पूछता है, आगे का क्या प्लान है? थन कहता है, मैं तो डॉर्म वापस जाना चाहता हूँ। फा कहती है, मैं शॉपिंग के लिए जाना चाहती हूँ। सब लोग का चेहरा देखकर फा कहती है, मैंने तुम लोगों से साथ में चलने को नहीं कहा, तो तुम लोग ऐसा फेस मत बनाओ। प्रिंस कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला दूँ? फा कहती है, कोई बात नहीं, मैं बुला लूँगी। फा सबको बाय बोल कर वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद प्रिंस कहता है, मैंने अपना फैसला बदल दिया है, मैं भी फा के साथ जाऊँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। थन के साथ सिर्फ मैस और गुल्फ बच जाते हैं। गुल्फ आगे वाली सीट पर बैठने वाला होता है पर थन उसे कहता है, क्या तुम पीछे वाली सीट पर बैठ सकते हो? गुल्फ इसका कारण पूछता है तो थन कहता है, तुम में से स्मेल आ रही है। गुल्फ मस्ती मजाक करते हुए पीछे बैठ जाता है। आगे मैस और थन बैठ जाते हैं। थन बार बार अपने बगल वाली सीट पे देख रहा होता है तो कंफ्यूज होकर गुल्फ भी उसके बगल वाली सीट पे देखता है पर उसे कुछ भी नहीं दिखता है। तो गुल्फ कहता है, तुम किसकी तरफ देखकर बार बार स्माइल कर रहे हो? थन कहता है, मैंने अभी मेरिट किया है इसलिए मैं स्माइल कर रहा हूँ, तुमने नहीं किया है इसलिए तुम स्माइल नहीं कर रहे हो। गुल्फ कहता है, तुम पागल हो गए हो। प्रिंस को आता देख फा पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिंस कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। फा पूछती है, सच में? प्रिंस हाँ कहता है। फा पूछती है, और उन लोगों का क्या हुआ? प्रिंस कहता है, वो लोग चले गए। फा और प्रिंस टैक्सी में चले जाते हैं। दोनों मस्ती मजाक करते हुए जाने लगते हैं। इधर थन और मिस भी मस्ती मजाक करते हुए जाने लगते हैं। अगले सीन में थन अपने रूफटॉप से अपने कपड़े उतार रहा होता है। तभी वो मिस को देखता है म्यूज़िक सुनते हुए, तो उसके पास आकर पूछता है, आप आखिर ऐसा क्या सुन रहे हैं जो इतना स्माइल कर रहे हैं? मिस उसे गाने का नाम बताता है और कहता है, यही गाना तो हमने कार में सुना था, हो सकता है तुम इसे नहीं जानते होगे। थन कहता है, हो सकता है मैंने इसे सुना हो क्योंकि ये मुझे काफ़ी फैमिलियर लग रहा है, ये गाया किसने है? मिस बता देता है। थन कहता है, वो गाना भी गाते हैं? मिस कहता है, क्यों, वो गाना नहीं गाते हैं क्या? थन मना करता है और कहता है, मुझे तो लगा कि वो सिर्फ एक्टर है। थन पूछता है, क्या आप उनकी मूवी देखना चाहेंगे? मिस हाँ कहता है। थन उस सिंगर का गाना गाने लगता है। मिस कहता है, तुम गलत गा रहे हो। मिस उसे करेक्ट करने लगता है। थन मिस को एक बार और गाने को कहता है। मिस मना करने लगता है। थन कहता है, मैं आपके लिए उनकी मूवी प्ले कर सकता हूँ। मिस कहता है, पहले तुम मुझे मूवी दिखाओ फिर मैं तुम्हारे लिए गाऊँगा। थन अपना हाथ आगे करता है डील करने के लिए। मिस कहता है, मैं तो तुम्हें टच कर ही नहीं सकता हूँ तो तुम हाथ आगे क्यों कर रहे हो? थन कहता है, कोई बात नहीं, मैं कम से कम आपको देख तो सकता हूँ, आपसे बात तो कर सकता हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा है, और वैसे भी हम बिना टच किए भी प्रॉमिस कर सकते हैं। दोनों प्रॉमिस कर लेते हैं। संडे की रात को सब लोग कॉलेज आ जाते हैं लाइब्रेरी में जाने के लिए। सब लोग अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लेते हैं और बच बच के अंदर जाने लगते हैं। थन कहता है, तुम लोगों ने गार्ड और कैमरे को देख लिया है ना? गुल्फ हाँ कहता है। थन प्रिंस से पूछता है, तुम चाबी ले आए हो? प्रिंस हाँ कहता है। प्रिंस कहता है, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि वो ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को यूज़ करेंगे? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? थन कहता है, मैं श्योर हूँ। वो लोग लॉक खोल कर अंदर आ जाते हैं। मिस भी उनके साथ आ जाता है। गुल्फ प्रिंस को रोक कर कहता है, रात में लाइब्रेरी कुछ ज़्यादा ही डरावनी लग रही है। प्रिंस कहता है, तुम इस तरह से डरो मत। वो लोग अर्काइव रूम का दरवाज़ा खोलने आते हैं पर कोई भी चाबी मैच कर नहीं रही होती है। तो थन कहता है, मैंने तुम्हें देखकर चाबी लेने को कहा था ना? प्रिंस कहता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी चाबी कहाँ की है? तुमने कहा था कि मैं लाइब्रेरी की की लेकर आऊँ, वो तो मैं लेकर आ गया। गुल्फ कहता है, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, तुम लोग हटो, मैं इसे खोलता हूँ। गुल्फ लॉक को खोल लेता है। प्रिंस कहता है, तुमने ये कैसे किया? गुल्फ कहता है, मुझे ये मेरे पड़ोसी ने सिखाया है। प्रिंस कहता है, तुम्हारा पड़ोसी कौन है? गुल्फ कहता है, उसका नाम चोर है। बेवकूफ़, जल्दी अंदर चलो। सब लोग अंदर आ जाते हैं। मिस अंदर नहीं आ पा रहा होता है क्योंकि वहाँ पे एमुलेट लगा होता है, तो थन उसे हटा देता है। अंदर बहुत सारे कैबिनेट होते हैं। तो प्रिंस कहता है, हम लोग शुरुआत कहाँ से करें? थन कहता है, हम लोगों को अलग अलग हो जाना चाहिए और तब ढूंढना चाहिए। तुम दोनों उस तरफ जाके ढूंढो, मैं इस तरफ जाके ढूंढता हूँ। दोनों मान जाते हैं। गुल्फ प्रिंस को कहता है, तुम मेरे नज़दीक ही रहो, मुझे डर लग रहा है वैसे भी।
सब ढूंढने लगते हैं। तभी एक गार्ड राउंड मारने आता है। प्रिंस को किसी के आने की आवाज़ सुनाई दे देती है, तो वो गोल्फ से कहता है, तुमने तो कहा था कि यहाँ पे संडे को कोई भी नहीं आता है। गोल्फ कहता है, जनरली तो संडे को यहाँ पे गार्ड नहीं आता है, मुझे नहीं पता आज कैसे आ गया। गोल्फ कहता है, हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। प्रिंस कहता है, तुम चुप रहो और ज़्यादा शोर मत करो वरना गार्ड को पता चल जाएगा। तुम जल्दी जल्दी ढूंढो ताकि हम यहाँ से बाहर निकल पाएँ जल्दी। गोल्फ और प्रिंस क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे होते हैं और इधर थन वो ऐसे ढूंढ रहा होता है। उन लोगों को किसी के आने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, तो गोल्फ कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी इंसान की आवाज़ हुई ना। प्रिंस कहता है, तुम सच में पागल हो गए हो। प्रिंस कहता है, मैं वैसे भी गार्ड से मिलने से अच्छा किसी भूत से ही मिल जाऊँ। प्रिंस थन से पूछता है, तुम्हें मिला क्या? थन मना करता है। प्रिंस कहता है, कहीं तुमने हम लोगों से झूठ तो नहीं बोला है? थन बोलता है, मैंने कभी तुम लोगों से झूठ बोला है क्या? अभी थन मैं इसको कहता है, यहाँ पे तो सिर्फ 41 ईयर का है। गोल्फ कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तुम किससे बात कर रहे हो थन? तुम आखिर ढूंढ क्या रहे हो? तभी गलती से प्रिंस के हाथ से कुछ डॉक्यूमेंट्स नीचे गिर जाते हैं, जिससे आवाज़ होती है। थन कहता है, क्या हुआ? प्रिंस कहता है, इसके चक्कर में मेरे हाथ से बॉक्स गिर गया। थन कहता है, तुम लोग ज़्यादा शोर मत करो। गोल्फ कहता है कि तुम लोग को भी आवाज़ आ रही है किसी के आने की, अब हम लोग क्या करेंगे? थन कहता है, भागो यहाँ से। चारों आकर छुप जाते हैं। तभी गार्ड अंदर आ जाता है चेक करने के लिए। उन चारों पे कोई टॉर्च जलाता है। वो लोग डर जाते हैं, पर तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे फा है। गोल्फ कहता है, मैंने ये कुछ नहीं किया है। गोल्फ वहाँ से निकलकर भागने लगता है। प्रिंस कहता है, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है। चारों बाहर निकलकर आ जाते हैं। फा उन लोगों से पूछती है, तुम लोग आखिर यहाँ पे आए क्यों हो? तुम लोग अगर किसी को कहोगे कि तुम लोग लॉ पढ़ रहे हो, तो उन लोग को तुम पे यकीन नहीं होगा जो तुम लोग कर रहे हो उसे देखकर। और मुझे लगता है कि तुम लोग ये भूल गए थे कि ग्रुप चैट में मैं भी हूँ। तभी उन लोगों की आवाज़ सुनकर गार्ड कहता है, कौन है वहाँ पर? प्रिंस फा का हाथ पकड़ कर उन लोगों को भागने को कहता है। सब भागने लगते हैं वहाँ से। गार्ड उनके पीछे भागने लगता है, पर तब तक वो लोग बाहर आ जाते हैं। गोल्फ बाहर आकर कहता है, हम लोग तो मरते मरते बचे हैं, अगर पकड़े जाते तो पता नहीं क्या होता। मैस कहता है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसी फीलिंग मुझे कभी भी नहीं मिली है। थन कहता है, इसमें इतना मज़ा आने वाली कौन सी बात है? अगर हम लोग पकड़े जाते तो हम लोग अरेस्ट भी हो सकते थे। फाये सुनकर कहती है, थन तुम किससे बात कर रहे हो? इससे पहले कि थन कुछ बोले, गोल्फ कहता है, थन तुम्हारे चेहरे पे ब्लड लगा हुआ है। थन को चोट लग गई होती है क्योंकि वो लाइब्रेरी में गिर गया था। गोल्फ कहता है, मुझे लगता है हमें जल्दी से हॉस्पिटल चलना चाहिए। थन कहता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है। गोल्फ कहता है, क्या तुम श्योर हो? थन हाँ कहता है। तभी प्रिंस बेहोश होने लगता है और कहता है, मुझे ब्लड से डर लगता है। फा और गोल्फ उसे पकड़ने लगते हैं। वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल में फा पूछती है, आखिर अब तो तुम लोग मुझे बता दो कि तुम लोग वहाँ पे गए क्यों थे? गोल्फ कहता है, हम लोग वहाँ पे ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर लेने गए थे। थन ने कहा था कि टीचर इस बार ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर यूज़ करेंगे। फा कहती है, तो तुम लोग वहाँ पे ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर चुराने गए थे? गोल्फ कहता है, हाँ, पर तुम इतना चिल्लाओ मत। फा कहती है कि तुम लोग पागल हो गए हो, देखो आखिर हुआ क्या, एक के सर से खून निकल रहा है और दूसरा यहाँ पे बेहोश हो रहा है। प्रिंस कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं बेहोश नहीं हो रहा हूँ। तभी थन अपनी पट्टी करवा के अंदर से आ जाता है। गोल्फ कहता है, मैं इस मैटर से क्विट कर रहा हूँ, इसके चक्कर में मेरी हड्डियाँ टूटते टूटते बची हैं। फा थन से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं ज़्यादा लगी? थन कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है। थन प्रिंस से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? प्रिंस हाँ कहता है। सब लोग हॉस्पिटल से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर हॉस्पिटल में एक हार्ट अटैक का पेशेंट आया होता है, जिसे लोग अंदर ले जा रहे होते हैं। उसे देखकर मेस को फ्लैशेज आने लगते हैं। उसे ऐसा देखकर थन चौंक जाता है और कहता है, क्या आप ठीक हैं? आप यहाँ पे बराबर आया करते थे ना? उसके फ्रेंड्स चौंक जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी थन को याद आता है हार्ट अटैक, तो थन अपने फ्रेंड से कहता है, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं भी आता हूँ। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। मेस भी उसके पीछे अंदर चला जाता है। उसके फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं। थन अंदर आकर रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि आपके पास उन पेशेंट की लिस्ट है जो 1994 से 1997 के बीच में हार्ट डिजीज़ का ट्रीटमेंट करवा रहे थे। रिसेप्शनिस्ट पूछती है, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? थन कहता है, मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ। रिसेप्शनिस्ट कहती है, लेकिन वो तो सीक्रेट है। अगर आप उस रिकॉर्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको एक गारंटी लेटर लेकर आना होगा, जो ये श्योर करता हो कि आपको ये सब अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए ही चाहिए। थन कहता है, लेकिन मुझे अर्जेंट है, क्या मुझे अभी नहीं मिल सकता है? रिसेप्शनिस्ट मना करती है। तभी वहाँ पर प्रिंस और फा आते हैं। प्रिंस पूछता है, तुम यहाँ पे वापस क्यों आ गए? फा कहती है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है थन? थन कहता है, कुछ भी नहीं। फा कहती है, तो क्या अब हम लोग घर जा सकते हैं वापस?
थन मान जाता है। तभी वो लोग गुल्फ को एक लड़की से बात करते हुए देखते हैं वहाँ पे, जो कि नर्स है वहाँ पे। प्रिंस कहता है शायद वो उसकी बहन है, पिगार्न। थन कहता है क्या उसकी बहन एक नर्स है? प्रिंस हाँ कहता है। और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।